गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सब्जेक्ट, वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 यानी टाइप्स ऑफ सूचर्स, टांकों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत पहले एक लेक्चर लिया था मैंने सर्जरी का, जिसमें मैंने आपको टांके लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताया था, और साधारणतः टांके कितने प्रकार के होते हैं इसका आपको चार्ट के रूप में समझाया था कि भाई टांके कितने प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के सूचरिंग नीडल्स के बारे में आपको बताया था कि सूचरिंग नीडल्स जो ट्रोमेटिक एट्रोमेटिक होती है, फिर उसमें कर्व्ड और स्ट्रेट और मतलब हाफ सर्कल, 1/4 सर्कल, 3/8 सर्कल, और इस तरह से सब जो नीडल्स के बारे में बताया था। उससे पहले जब मैंने आपको सूचरिंग मटेरियल में सूचरिंग थ्रेड के बारे में बताया था, तो वो सिंथेटिक और नेचुरल सारे बताए थे, कॉटन थ्रेड और कैटगट वगैरह सब बताए थे। अब हम आज जो है इस अध्याय में ये पढ़ेंगे कि जो सूचर है वो कितने प्रकार के होते हैं। सूचर हम जैसे मान लो चमड़ी फट गई किसी जानवर की, अगर चमड़ी फट गई तो हमें उसको सूचर करना पड़ेगा। किसी जानवर का अगर वेजाइना का यूट्रस का प्रोलेप्स हो रहा है, या उसके एनस में से लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोलेप्स हो रहा है, तो हम उसके जो एनस है उसमें सूचर करेंगे या वेजाइना को सूचर करेंगे, तो उसमें कौन सी सूचरिंग सूचर टाइप काम में लेते हैं ये आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरप्टेड सूचर्स, इंटरप्टेड सूचर्स जिसको हम बोलते हैं अंतरा या एक एक टांके, यानी इस प्रकार के जो सूचरिंग है उसमें हम एक एक टांका लगाते हैं, यानी एक टांका लगा दिया उसके बाद में उसको धागे को काट दिया गांठ के पास से, फिर दूसरा टांका लगाते हैं, यानी ये कंटिन्यूस नहीं होता है, अलग अलग टांका अलग अलग होता है। एक टांका लगाया फिर दूसरा टांका लगाया उसको अलग है, फिर तीसरा अलग लगाया। एक होता है निरंतर या एविरल टांके, निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूस सूचर, इसमें एक बार टांका लगा के फिर इसको कंटिन्यूस करते रहते हैं, लास्ट में जब पूरी सूचरिंग हो जाती है तभी उसमें नोट लगाते हैं। अब इसके अंदर जो साधारण टांके जो पड़ रहे हैं उसमें इंटरप्टेड सूचर के बारे में मतलब है जब घाव के ऊतकों यानी टिश्यूज, अथवा यूँ कहें कि घाव के जो दो होंठ है आपस में, दो फ्लेप है घाव के, दो स्किन जब बीच में से कटती है तो उसके दो होंठ बन जाते हैं, या उसको घाव के स्वतंत्र रूप से दो किनारे हैं, उनको अलग अलग टांका लगाया जाता है, यानी एक एक टांका अलग अलग लगाया जाता है, ऐसे टांके को हम इंटरप्टेड सूचर बोलते हैं। अब इंटरप्टेड सूचर जो है ये अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 102 पे सिंपल इंटरप्टेड सूचर है। इसमें इंटरप्टेड सूचर जो उसमें पहला प्रकार है सिंपल इंटरप्टेड सूचर, यानी ये एक साधारण अलग प्रकार का टांका है तथा मुख्यतः ये त्वचा पर लगाया जाता है, यानी ये जो सिंपल इंटरप्टेड सूचर है ये मुख्य रूप से त्वचा जब फटती है या त्वचा कट जाती है आपस में किसी घाव हो जाता है त्वचा का, तब उसमें टांका लगाते हैं। ये आप देख सकते हो पेज नंबर 102 पर सिंपल इंटरप्टेड सूचर का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें स्किन जो है वो कटी हुई है और उसके बाद में सूचर लगाया हुआ है। इसमें क्या है, एक टांके से दूसरे टांके की जो दूरी है, जब हम टांका लगाते हैं स्किन जो फटी हुई स्किन है उस पर, तो एक टांके से दूसरे टांके की दूरी जो है वो 0.75 सेंटीमीटर छोटे पशुओं में, छोटे पशु मतलब बिल्ली बकरी भेड़ ये छोटे पशु है, इनमें एक टांके से दूसरे टांके की दूरी जो है वो 0.75 सेंटीमीटर होती है, और बड़े पशुओं में 1.25 सेंटीमीटर, यानी छोटे में 0.25 सेंटीमीटर और बड़े में 1.25 सेंटीमीटर के बीच में दूरी होती है। ये आपको डायग्राम में भली प्रकार से दिखा रखा है। प्रत्येक टांका लगाने के लिए सुई है जो घाव के किनारे में, यानी जो स्किन कटी हुई है उसके दो पोर्शन है ना, तो वो एक फ्लेप है उसमें जो किनारा है किनारे से 2 से 3 मिलीमीटर की दूरी पर ये सुई को जो है अंदर घुसाना चाहिए उसमें चमड़ी में, ये है इसका मतलब। टांके लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दो टांकों के बीच में खाली जगह नहीं रहे, अन्यथा घाव धीरे से भरेगा। दो टांकों के बीच में आपने खाली जगह छोड़ दी यानी गैप ज़्यादा छोड़ दिया, तो वो टांके जो है
वो देरी से भरेगा, घाव देरी से भरेगा। टांकों को ज़्यादा खींच कर भी नहीं लगाना चाहिए, अगर आपने खींच कर लगाया यह तो क्या होगा, घाव जो अंदर की साइड में मुड़ जाएगा तो घाव देरी से भरेगा, क्योंकि इससे वहाँ के ऊतकों में खून का बहाव या बाधित हो जाएगा, जो खून आ रहा है ना उस घाव में वो खून जो है रुक जाएगा अगर आपने टांके खींच के लगाए तो, और उस जगह पे अगर खून रुक गया तो वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगी, यानी वो चमड़ी मर जाएगी वहाँ से। अब इसकी टांका लगाने की क्या विधि है, टांका लगाने की विधि है कि घाव के किनारे एक तरफ से सुई को उत्कम घुमा, जो किनारे हैं दो घाव के दो किनारे होंगे ना, जैसे मान लो आपके डायग्राम में दे रखा है, तो जिस एक किनारे से उस धागे को सुई को उसमें उत्कम घुमाए तो घाव को अंदर ले जाकर दूसरे सिरे के नीचे से निकाले, और इस तरह से क्या उसके एक साइड में करके गांठ लगा दें, उसको एक साइड में गांठ लगाना, मैंने आप बताया था सर्जन नोट, डबल सर्जन नोट, ग्रेनी नोट, कई प्रकार के, या स्क्वायर नोट, ये बताई थी मैंने गांठ लगाने, तो उसमें स्क्वायर नोट जो है वो लगा सकते हो, आप चाहो तो उसमें सर्जन्स नोट लगाते हैं, ज़्यादातर सर्जन्स नोट लगाते हैं। नोट लगाना मैंने आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाया था। धागा अगर ज़्यादा लंबा हो गांठ लगाने के बाद में तो उसको काट दें, ठीक है, धागा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि तक धागा लगेगा उतना ही रखो, ज़्यादा लंबा धागा होगा तो उसमें वो उड़ सकता है, उड़ना बोलते हो ना, उड़ सकता है। अच्छा, टांके घाव के लंबवत लगाने चाहिए, लंबवत का मतलब समझते हो, लंबवत यानी जैसे मान लो ये मेरे कोई घाव है, ये स्किन है, इसके बीच में घाव है, तो इधर से नीचे डालो, फिर यहाँ से नीचे डाल के ऊपर निकाल के फिर लगा दो, ये लंबवत होता है, ये लंबवत टांके लगाना चाहिए। और सभी सूचस की गांठें जो है एक तरफ होनी चाहिए, एक साइड में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस साइड में गांठ लगा दी फिर परली साइड में लगे, ऐसे नहीं, मतलब एक ही साइड में गांठ लगाने चाहिए, अलग अलग साइज में साइड में गांठें नहीं लगानी चाहिए। एक दूसरे टांके की दूरी जो है, एक टांके से दूसरे टांके की दूरी जो है 0.75 सेंटीमीटर रखें, और एक घाव के किनारे से टांका लगाते हो तो वो किनारे से 2 से 3 मिलीमीटर की दूरी पर लगाना, सुई को घुसाएं उसके अंदर। टांके जहाँ तक हो सके दाएं से बाईं ओर लगाएं, यानी दाईं साइड से शुरू करें और बाईं साइड इसमें लगाते जाएं। ये टांके कहाँ का लगाते हैं ये भी आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस प्रकार के जो टांके सिंपल इंटरप्टेड सूचर जो है ये कहाँ का लगा सकते हो, ये त्वचा पर लगा सकते हो, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू पर लगा सकते हो, सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे जो टिश्यू होते हैं सबक्यूटेनियस बोलते हैं उनको, उधर की भित्ती को बंद करने तो, यानी जो पेट की भित्ती है ना, दीवार है पेट की, मसल्स जो आती है उनको बंद करने के लिए, भित्ती को बंद करने के लिए, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर को अगर सीना हो तो इस प्रकार के टांके लगाते हैं। अगर मान लो आंत की सिलाई करनी हो, आंत कटी हुई फटी हुई तो उसको सिलते हैं तो इस प्रकार के टांके लगाते हैं। सेकंड नंबर आता है इसमें हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर, हॉरिजॉन्टल, अब ये हॉरिजॉन्टल वेंट्रल वर्टिकल तो आपको आता है, ये खूब बार बता चुके हैं आपको हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर में क्या होता है कि इसमें टांके की जो लाइन है वो घाव के कटाव के हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल यानी उसके हॉरिजॉन्टल वाले से बराबर होती है, इसमें ट्रांसवर्स यूँ नहीं होती, वो यूँ लंबाई में हॉरिजॉन्टल होती है। ये अगर आप देख सकते हो पेज नंबर 104 पर, ये फिगर आप देख सकते हो, ए फिगर जो है बी फिगर है, ये दोनों फिगर आप इसमें देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर ऑन टीट, ये थन के ऊपर, थन जब कट जाता है तो उसमें जो टांके लगाते हैं वो इंटरप्टेड हॉरिजॉन्टल सूचर लगाते हैं, इंटरप्टेड हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर लगाते हैं। इसमें घाव के दोनों सिरे जो है ना वो जब आप टांके लगाओगे तो दोनों सिरे जो है वो खड़े हो जाएंगे बराबर में, इवर्जन ऑफ वुंड एजेस बोलते हैं उसको। ये त्वचा पर, मांसपेशियों पर और टेंडन पर लगाए जाते हैं। अगर मान लो टेंडन कहीं कट गया, बीच में से फट गया, टेंडन और मांसपेशियों में, मसल्स में और त्वचा पर लगाते हैं। इस टांके के कुछ दोष हैं, ये मेट्रस, वो ओरिजेंटल मेट्रस सूचर, इसके क्या दोष हैं, एक तो क्या, जब ये घाव भरेगा आप जब इसको टीट पे लगाते हो, मान लो किसी गाय का थन चिर गया, थन जो कट जाता है ना बीच में से, गाय का बकरी का अमूमन कट जाते हैं बार्ब्ड वायर से, जो तार होते हैं खेतों में लगे उनसे कट जाते हैं,
तो उसको जो सूचरिंग आप अगर ओरिजेंटल मेटर सूचर से करते हो तो जब घाव मिलता है तो उसके ऊपर क्या है, एक त्वचा पर बड़ा सा निशान स्कार दिखाई देता है इसमें, और घाव हमेशा देरी से भरता है इस टाइप में। तो ये दो मतलब इसके नुकसान है, ये नुकसान भी आपको याद करने एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। फिर आता है तीसरा टाइप है वर्टिकल मेट्रस सूचर, यानी इस प्रकार के टांके में टांके की जो लाइन है वो घाव के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब है लंबाई में नहीं होगी, इस तरह से होती है यूँ परपेंडिकुलर। ये आप देख सकते हो वर्टिकल मेट्रस सूचर को, आप पेज नंबर 104 में जो नीचे वाला डायग्राम है वो वर्टिकल मेट्रस सूचर है, यानी ये टांके हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर की तरह ही लगते हैं लेकिन सूचरिंग लाइन का अंतर है, उसमें परपेंडिकुलर होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल होती है। इसमें सूचर लाइन वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल होती है। तो इसमें फर्क इतना ही है बस, सिर्फ ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको पता लग सकता है ये। लेकिन देखो टांके लगाने का सही तरीका जो है, हुनर जो है आप में आना चाहिए, वो कब सीखोगे, जब आप प्रैक्टिकल के क्लास में आके मेरे सामने बैठ के करोगे तब आप इसको अच्छी तरह से सीख पाओगे। लेकिन तब तक जब तक हमारी क्लासें नहीं लगती है या हमारी क्लिनिक्स में हम नहीं जाते हैं तब तक आप इनके अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं कि भाई टांकों के प्रकार कौन कौन से, इंटरप्टेड किसे कहते हैं, कंटिन्यूस किसको बोलते हैं, मेटर्स सूचर क्या है, वर्टिकल मेटर्स क्या है, वर्टिकल मेटर्स क्या है, तो इनको इनके लाभ क्या है, हानि क्या है, ये तो कम से कम याद कर सकते हो। चौथा प्रकार है इंटरप्टेड में, इंटरप्टेड क्रूशिएट या क्रॉस मेटर्स सूचर बोलते हैं इसको, इसको क्रॉस मेटर्स सूचर बोलते हैं। इस प्रकार का टांका कब लगाते हैं, या तो इसका स्किन पर लगाते हैं अथवा जब हम पूंछ को काटते हैं और उसके अंतिम छोर पर जो पूंछ कटा हुआ स्टंप होता है उस पर जब टांके लगाते हैं, या पैर की हड्डी को, पैर की डिजिट यानी उंगली को काट देते हैं तो वहाँ पर इसके टांके लगाते हैं, तब इस प्रकार का टांका काम में लेते हैं। इसमें क्या है, क्रॉस कर देते हैं उसको, मतलब टांकों को क्रॉस करके फिर ये टांका लगाते हैं इसका, यानी चित्र में दे रखा है पेज नंबर 105 पर, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इंटरप्टेड क्रूशिएट और क्रॉस मेटर सूचर के अंदर क्या करते हैं, इसके जो रेखा इंसाइज्ड रेखा है यानी जो घाव है उसमें मेटर सूचर की तरह सुई घुसाकर एक सिरे से सुई घुसाते हैं, दूसरे सिरे से उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको पूर्व की भांति सुई घुसाकर दूसरी तरफ निकाल लेते हैं और पहले और अंतिम छोर को आपस में मिला देते हैं, तो ये क्रॉस का निशान बन जाता है, इसलिए इस टांकों को क्रॉस मेटर सूचर कहते हैं। पाँचवा टाइप होता है ओवरलैपिंग सूचर। ओवरलैपिंग सूचर का मतलब होता है ये टांके रूपांतरित हॉरिजॉन्टल मेटर सूचर ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेटर सूचर जो आपने भी पढ़े थे वो ही होते हैं, रूपांतरित होते हैं। इसमें यू आकार के होते हैं, ये यू के आकार के होते हैं, इसमें घाव का एक सिरा दूसरे पर चढ़ा हुआ ढका हुआ होता है, यानी एक सिरा जो घाव का है उसके ऊपर दूसरा सिरा चढ़ा देते हैं। तो ये अगर आप ये टांके कहाँ लगाते हैं, हर्नियल रिंग्स में लगाते हैं, जहाँ पे हर्निया हो जाता है ना इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन जो है मसल्स को फाड़ के, मसल्स फट जाती है फिर इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है स्किन के नीचे, तो उस जो रिंग बन जाती है ना उस रिंग को बंद करते हैं। ये अगर आपको देख रहे हो पेज नंबर 106 पे है, जिसको आप देख सकते हो ये मतलब एक फ्लेप को दूसरे फ्लेप पे चढ़ा रखा है। नेक्स्ट आता है इंटरप्टेड लंबर्ड सूचर। इंटरप्टेड लंबर्ड सूचर इस प्रकार के टांके जो है वो केविटी वाले जो ऑर्गन होते हैं, गुहा वाले अंग जो होते हैं, होलो ऑर्गन जिनको बोलते हैं, जैसे इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, ये होलो होते हैं, यूट्रस है, ये जैसे रूमन इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, इंटेस्टाइन जो है होलो ऑर्गन है मतलब अंदर से खोखला है, ऐसे ही रूमन जो है वो खोखला अंदर से, अगर मान लो आप रूमन में से इंटेस्टाइन निकाल दो तो क्या बचेगा, खुला मतलब एक होलो ऑर्गन तो बचेगा, ऐसे इंटेस्टाइन है, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर है और इसी प्रकार से यूट्रस है, इन पे ये टांके लगाते हैं इंटरप्टेड लंबर्ड सूचर। इसमें क्या करते हैं कि जो घाव होता है उसका सिरोजा से सिरोजा तक टीका लगाते हैं, मतलब लगाते हैं यानी इसको नीचे तरफ पूरी जो फ्लेप है ना वाल जो है उसके आर पार इसको नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इसमें जो टांका लगाने सुई को जो है अंग की सीरस और मस्कुलर लेयर तक यानी ऊपर से घुसाते हैं और जहाँ तक सीरस मेम्ब्रेन है वहाँ तक करके इसको वापस निकाल लेते हैं, नीचे तक नहीं ले जाते हैं इसको, मतलब इसको अंदर तक नहीं ले जाते हैं, इसको सिरोजा से ही वापस निकाल लेते हैं।
फिर इसको दूसरी तरफ से इसको सिरोजा में डाल के मस्कुलर लेयर से ऊपर निकाल देते हैं और दूसरे सिरे को निकाल कर उसमें गांठ लगा देते हैं, ताकि अंग के घाव जो है एक दूसरे के सिरोजा से सिरोजा जो है वो नज़दीक आ जाए। इसके बाद में आते हैं लंबर्ट इंटरप्रेटेड सूचना। अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम में बिल्कुल सही दिखा रखा है, 106 नंबर पेज पे। अगर आप इसको नीचे वाला डायग्राम देखोगे तो वो ये चित्र में दिखा रखा है भली प्रकार से। इसमें जो है ना पूरी वाल को क्रॉस नहीं किया है, सिर्फ सिरोजा तक ही उसको पायर्स करके निकाल लिया है। एक आता है हालस्टेड सूचर। हालस्टेड सूचर ये लंबर्ट और हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर दोनों का एक साथ रूपांतरित रूप है। ये दोनों का रूपांतरित रूप है, यानी अगर आप देखोगे हालस्टेड सूचर की तरह है कि इसमें पूरी वाल को क्रॉस नहीं करना है, और जो मेट्रस हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर की तरह इसमें उसके लंबाई के बराबर में निकालते हैं इसको। तो ये आपके सात प्रकार के सूचर जो है ये थे इंटरप्टेड सूचर्स, एक एक सूचर डाल के लगाने वाले सूचर थे। अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यू सूचर। कंटिन्यू सूचर में क्या है, टांके में सुई को एक बार घाव के दोनों सिरों को सिलाई करने के बाद में, यानी सुई को एक बार घाव में से निकाल के उसके दोनों किनारे जो उनमें गांठ लगा देते हैं, उसके बाद में फिर धागे को बार बार निकालते रहते हैं। जिस टाइप से आपको निकालना है कंटिन्यू सूचर में, उसको कब काटते हैं, जब पूरी सूचरिंग हो जाती है लास्ट में गांठ लगा के उसको काट देते हैं। यानी इसमें क्या फ़ायदा है, इसके कुछ फायदे हैं, वो क्या है, एक तो धागा कम लगता है। अगर आप बार बार मतलब एक एक धागा गांठ लगा के काटोगे तो धागा ज़्यादा लगेगा, इसमें कंटिन्यूस में धागा कम लगता है। टांके लगाने में समय भी कम लगता है, आप एक टांका लगाओगे फिर उसका धागा काटोगे फिर गांठ लगाओगे फिर धागा लगाओगे फिर गांठ लगाओगे फिर काटोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। घाव भरने पर टांके आराम से हटाए जा सकते हैं। अगर घाव भर गया तो एक बार एक साइड से टांका काटोगे गांठ काटोगे तो सारे धागे निकल जाएंगे। अगर आपने इंटरप्टेड लगाया तो आपको एक एक धागा काटना पड़ेगा। और इसमें नुकसान भी है, एक क्या नुकसान है, अगर एक टांका टूट गया ना कहीं से तो पूरा टांका पूरी जो आपने सूचरिंग की है वो सारी की सारी सूचरिंग मतलब क्या है उगड़ जाएगी, इधर जाएगी। हमारी भाषा में इधरना कहते हैं, हिंदी में उगड़ना कहते हैं। तो वो टांका ढीला होकर पूरे सूचर लाइन ढीली हो जाएगी और वो घाव जो भरेगा नहीं। अब इस प्रकार के टांके जो है मुख्य रूप से कहाँ लगाते हैं, ये हम पेरिटोनियम और मांसपेशियों पर लगाते हैं, मसल्स में और पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मैंने आपको बताया था, पेरिटोनियम जो एक तो मतलब क्या है, जितने भी बॉडी केविटीज़ हैं, मतलब जैसे एब्डोमिनल केविटी है, एब्डोमिनल केविटी की जो अंदर वाली सतह है ना केविटी की, उस पर जो झिल्ली है वो पेरिटोनियम है, और जो इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर ही ऊपर जो झिल्ली है वो पेरिटोनियम है। तो उस पेरिटोनियम को या मसल्स को इससे सूचरिंग करते हैं। जहाँ तक हो त्वचा पर इंटरप्टेड सूचर ही लगावें, मतलब ये एक गाइडलाइन है आपके लिए कि अगर त्वचा पर सूचरिंग करनी हो तो उसको हमेशा इंटरप्टेड लगाएं, एक एक धागा लगाएं। ये लगातार टांके नहीं लगाएं स्किन पे, लेकिन ये मसल्स पे और पेरिटोनियम पे इंटरनल ऑर्गन पे आप इसको यूज़ में ले सकते हो। अब इसका प्रकार क्या है, इसके प्रकार है कंटिन्यूस सिंपल कंटिन्यूस सूचर, यानी जैसे सिंपल इंटरप्टेड था बिल्कुल उसी तरह है। इसमें फ़र्क इतना है कि सबसे पहला टांका जो है वो सिंपल इंटरप्टेड सूचर की भांति ही लगाते हैं, उसमें लगा के गांठ लगा देते हैं, फिर उसके बाद में जो है सभी टांके घाव के लंबवत लगाकर बिना धागे को काटे, अंत में आखिरी जब धागा टांका लगाते हैं तब वहाँ पे लूप बनाकर उसी धागे का लूप बना लेते हैं और उसमें गांठ लगा देते हैं और धागे को काट देते हैं। तो ये हो गया। अब इस प्रकार के टांके जो सिंपल इंटरप्टेड सूचर जो है, ये धागे सबक्यूटेनियस फेशिया, इसके नीचे जो फेशिया होता है उसमें, मांसपेशियों में और पाचन तंत्र के अंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को सूचर करने काम आता है। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि किस प्रकार का सूचर किस प्रकार के ऑर्गन को या स्किन को या फेशिया को सूचर करने काम आता है। ये आपके ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। ट्रू फॉल्स में भी आपको कैसे पूछेंगे, आपको अगर ये पूछेंगे कि सिंपल कंटिन्यूस सूचर जो है ये स्किन को सूचर करने काम आता है, नहीं ये किस में काम आता है, मांसपेशियों को सूचर। अगर ऐसा आ जाए ना
कि सिंपल कंटिन्यूस सूचरिंग जो टाइप है वो सबक्यूटेनियस फेशिया को सूचर करने का काम आता है, तो ये ट्रू है। ये आपको देख सकते हो डायग्राम नंबर 108 नंबर पेज पे इसका डायग्राम दिया है सिंपल कंटिन्यूस सूचर का, जो आप डायग्राम से इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। फिर है इस कंटिन्यूस सूचर में कंटिन्यूस लॉक स्टिच सूचर, कंटिन्यूस लॉक स्टिच सूचर यानी इसे हम कंटिन्यूस लॉक स्टिच सूचर को फोल्ड इंटरलॉकिंग सूचर भी कह सकते हैं। ये भी आपको याद करना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, फोल्ड इंटरलॉकिंग सूचर भी इसको कहते हैं। ये एक प्रकार का सिंपल कंटिन्यूस सूचर ही है, जो भी अभी पढ़ा आपने वही है। सिर्फ इसमें यह है कि जो हर लूप में से टांके को निकाल लेते हैं और उसको टाइट कर देते हैं, यानी इससे क्या है घाव एक दूसरे के नज़दीक आ जाए, घाव के दो किनारे जो एक दूसरे नज़दीक आ जाए और डिले नहीं हो। इसको आप देख सकते हो पेज नंबर 109 पर दिया हुआ है, यानी कंटिन्यूस लॉक स्टिच सूचर इसमें क्या है धागे को एक साइड से उसके लूप में से निकाल लेते हैं। ये टांका जो है ये कंटिन्यूस जो सिंपल कंटिन्यूस सूचर है उससे बेहतरीन अच्छा इसलिए है कि इससे जो दो किनारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी ज़्यादा है कि इसमें टांका धागा बहुत ज़्यादा लगता है। और इस प्रकार के टांके जो हैं स्केलेटन मसल्स हड्डियों के ऊपर जो मसल्स हैं उनको और डायफ्राम पर लगाने काम आते हैं। जो डायफ्राम है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में जो एक पर्दा है उसको सीने का काम आता है। और स्केलेटन मसल्स का मतलब है जो मांसपेशियां मसल्स बोन्स के ऊपर होती है स्केलेटन के ऊपर, उनको सीलने का काम आता है। इसके बाद आता है कंटिन्यूस लंबर्ड सूचर। कंटिन्यूस लंबर्ड सूचर जो है इसके लिए आपको समझने के लिए पेज नंबर 110 पर अगर आप देखोगे तो इसमें ए जो पार्ट है वो तो है कंटिन्यूस लॉक स्टिच सूचर जो भी आपने पढ़ा है, और बी जो है ए और बी ये दोनों तो कंटिन्यूस लॉक स्टिच सूचर है, और कंटिन्यूस लंबर सूचर जो है वो आप देखोगे सी पेज नंबर 110 में जो सी डायग्राम है वो है इसका। यानी इसमें क्या करते हैं ये टांके जो है ये इंटरप्टेड लंबर्ड सूचर की भांति ही होते हैं। जो अभी आपने इंटरप्टेड लंबर्ड सूचर पहले आपने पढ़े थे उसके तरह ही, लेकिन ये प्रत्येक टांका उस अंग की सीरस से म्यूकोजल लेयर तक ही रहता है, सीरस से म्यूकोजल लेयर तक रहता है, म्यूकोजल लेयर को पार नहीं करता। घाव का भरना जुड़ना जो है सीरस लेयर ही होता है, यानी सीरस लेयर पे ही तक इस धागे को सीमित रखते हैं, बाकी म्यूकोजा को इसमें नहीं लेते हैं। ये टांके इंटरप्टेड सूचर की तरह अलग अलग नहीं होकर इसको कंटिन्यूस कर देते हैं, मतलब इसको लगातार कर देते हैं, बाकी इंटरप्टेड लंबर्ड सूचर की तरह ही है। इस प्रकार के टांके जो है वो रूमन में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूटरस में लगाते हैं। यही टांके जो है हम वहाँ भी लगाते थे, किस में इंटरप्टेड में भी वहीं तो लगाते थे पर उसी जगह लगाते हैं। इसका डायग्राम अगर आप देखो तो पेज नंबर 110 पर सी डायग्राम जो है कंटिन्यूस लंबर्ड सूचर जो है ये इसके अंदर जो है ना नीचे जो है ऊपर मसल्स को छोड़ दिया, नीचे सिरोजा को लिया सिर्फ इसमें। इसके बाद में आता है पर्स स्ट्रिंग सूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्स स्ट्रिंग सूचर क्या है आपने देखा हो घरों में लोग बाग जो है एक पर्स बना लेते हैं कपड़े का, उसके एक धागा लगाते हैं जिसको एक साइड से जब खींचते हैं जिस प्रकार से हमारा नाड़िया होता है नाड़ा बांधते हैं, तो नाड़ा बांधते कैसे हमारा पजामा इकट्ठा हो जाता है बिल्कुल सेम उसी तरह से ये पर्स स्ट्रिंग सूचर है। जिसमें क्या है जो छोटे छोटे बच्चे या घरों में औरतें पहले एक थैला से बना के उस पर ऐसा मतलब क्या है कि उसमें डोरी से लगाते थे कि उसको खींचते थे तो उसका मुंह बंद हो जाता था, उसमें फिर वो नाड़िया गांठ लगा लेते थे। तो पर्स स्ट्रिंग सूचर इस प्रकार के टांके शल्य चिकित्सा में खोखले अंगों के, खोखले जो अंग होते हैं उनकी गुहा के मुंह को बंद करने के लिए छोटा करने के लिए लगाते हैं। यानी इसका उपयोग यूट्रस वल्वा एनस का प्रोलेप्स हो जाए, प्रोलेप्स मैंने अभी बताया था कि बच्चे देने के प्रोलेप्स हो जाए तो उसके वेजाइना के मुंह के ऊपर ये टांका धागा लगाते हैं। ये पेज नंबर का 110 पे नीचे वाला फिगर जो है पर्स स्ट्रिंग सूचर देख रखा है। ए में तो क्या है कि ये एनस का डायग्राम है और बी में वेजाइना का है, यानी वेजाइना और या मतलब क्या है कि इसमें यूट्रस का मुंह बंद करने के लिए,
होलो ऑर्गन का, तो ये देखो इस तरह से करके ना उसके अंदर से धागा निकाल के पर्स की तरह, और फिर उसको खींच के बांध देते हैं। एक क्या उससे उसका छेद जो है वेजाइना का छेद छोटा हो जाएगा, तो वो बच्चेदानी का मुंह उससे प्रोलेप्स बाहर नहीं होगा। पांचवा इसमें प्रकार है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंटिन्यूस मेट्रस सूचर। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंटिन्यूस मेट्रस सूचर, यानी ये दोनों टांके जो है ये इंटरप्टेड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सूचर जो आपने पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें केवल धागा तो लगातार चलता रहता है, इसमें धागे को बार बार नहीं लगाते हैं, काटते नहीं, लास्ट में जाके काटते हैं। इस प्रकार के टांके जो है वो सबक्यूटेनियस फेशिया और मांसपेशियों पर लगाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस फेशिया क्या है, जो चमड़ी के नीचे जो फेशिया है वो प्लस मांसपेशियों पर लगाते हैं। यानी कंटिन्यूस हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर को आप देख सकते हो पेज नंबर 111 पर, इसका डायग्राम दिया हुआ है, पेज नंबर 111 पर इसका डायग्राम दे रखा है। फिर आता है कुशिंग सूचर। कुशिंग सूचर में क्या करते हैं, इसमें टांके जो है वो जो इंसाइजन लाइन है घाव की जो लाइन है उसके समानांतर लगाते हैं, मतलब लाइन के समानांतर लगाते हैं इसमें कुशिंग सूचर में। लंबर सूचर की भांति इसमें सब म्यूकोजा तक सुई को घुमाते हैं, यानी इसमें सुई को सब म्यूकोजा तक घुमाते हैं, आर पार नहीं करते जैसा कि इसमें चित्र में दिया हुआ है। इस प्रकार के टांके जो है विसरल अंगों की गुहा को छोटा करने लगाते हैं। अगर मान लो कहीं विसरल ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन पर फट गई तो उसकी जो गुहा है उसको छोटा करने के लिए लगाते हैं इसको, यानी इंटेस्टाइन अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी तो उसको कम करने के लिए लगाते हैं। एक आता है कोनेल सूचर, यानी इसमें क्या अंग की सभी परतें, यानी किसी ऑर्गन के अगर कटे हुए ऑर्गन में आप ये टांके लगाते हो तो उसकी जो पूरी सतह होती है ना वाल की, अर्थात म्यूकोजल लेयर तक पार कर देते हैं। इससे संक्रमण का डर रहने से फोक लंग जो हाथ आते पर काम मिलते हैं, यानी इसमें पूरी वाल की लंबाई को पार करते हैं, लेकिन इसमें क्या है संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए आंत में इसको काम में नहीं लेते हैं, आंतों में इसको काम में नहीं लेते हैं। तो ये सारा था सूचरिंग के बारे में। सूचरिंग के प्रकार थे, दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक इंटरप्टेड होता है। इंटरप्टेड का मतलब है एक टांका लगाया उसके गांठ लगाई और गांठ को काट दो, फिर दूसरा टांका लगाया बीच में गैप छोड़ते हुए फिर उसको काट दो, यानी एक एक टांका लगाते हैं, इसमें कंटिन्यूस नहीं करते हैं। जो कंटिन्यूस सूचर है उसमें एक बार सुई को निकाला घाव के मतलब दोनों फ्लेप में से, उस पर गांठ लगा दी, फिर उस धागे को गया, जिस प्रकार का आपको सूचरिंग करनी है सूचरिंग करते जाओ, लास्ट में जाके जो है जहाँ सूचरिंग ख़त्म हो जाए वहाँ जाके उसके जो लूप है धागे का उसमें से निकाल के उसको और उसके गांठ लगा दो वहाँ पे और उसको काट दो, यानी कंटिन्यूस हो गया ये। और उसके फिर ये सात सात प्रकार है दोनों के अलग अलग, जो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग स्किन में काम आते हैं, कोई ऑर्गन्स में काम आते हैं, कोई बच्चेदानी में काम आते हैं, कोई यूट्रस में, कोई यूरिनरी ब्लैडर में, कोई इंटेस्टाइन में, कोई स्टोमक में। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसके प्रकार याद करने हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, तो इसको ढंग से पढ़ोगे तो बढ़िया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।